हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का लोकल गुरु जी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम कहा सर। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 19 के बजट में। जी हाँ, कौन से वो 3 स्मार्टफोन होंगे जो 19,000 के बजट में आती होंगी, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना मन पसंदीदा स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो, जान सकते हो कौन सा वो स्मार्टफोन होगा जो 19,000 के बजट में आपके लिए बेस्ट होगा। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स पे एक्सप्लेन करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 19 के बजट में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हम बहुत सारे स्मार्टफोन लेते हैं, वेरिएंट, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, एडिशनल फीचर्स, सब कुछ को मिलाते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके बाद ही आपके लिए टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन वाले वीडियोस लेकर आते हैं। तो आप ये मत सोच लेना हम रेंडमली कोई भी स्मार्टफोन पिक कर लेते हैं और आपके लिए टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन वाले वीडियोस लेकर आते हैं। नहीं, हम बहुत सारे कंपैरिजन करने के बाद आपके लिए बेस्ट टॉप 3 स्मार्टफोन लेकर आते हैं। सो अब चलते हैं हमारे टॉप नंबर 3 स्मार्टफोन की तरफ। दोस्तों, टॉप नंबर 3 पे आता है Realme X7 5G। जी हाँ, इसके जो वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। डिस्प्ले में आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। और बात करें कैमरा में, तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का वाइड एंगल कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा में, तो 16MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें दिया गया है। और अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो MediaTek Dimensity 800U का प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें आप गेम वगैरह बिंदास खेल सकते हो। और अगर बात करें बैटरी के बारे में, तो 4310mAh की बैटरी है विथ 50W Vogue 3.0 सुपर फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें से बड़ी चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, 50W का Vogue 3.0 सुपर फास्ट चार्जर, तगड़ा चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एडिशनल फीचर्स की तरफ भी बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको Realme UI वर्जन 1.0 देखने को मिलता है बेस्ड ऑन Android 11। और इसमें आपको ट्विन मोड देखने को मिलता है, ट्विन चैनल रोम मोड देखने को मिलता है, डुअल सिम 5G मोड देखने को मिलता है, 2TB मैक्स OTG स्टोरेज सपोर्ट करता है, उसमें 2TB तक का OTG कैपेसिटी आप सपोर्ट करा सकते हो। और इसमें आपको हीट डिसिपेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलते हैं, हीट पाइप कॉपर देखने को मिल जाता है, नाइट शील्ड मोड है, गेम स्पेस मोड है, स्टेप ट्रैकर मोड भी आपको इसमें दिया गया है। और आपको इसमें अल्ट्रा स्टेडी मैक्स वीडियो मोड देखने को मिलता है, नाइट मोड 4.0 देखने को मिलता है, HDR मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, आपको इसमें डायरेक्ट साउंड इफेक्ट देखने को मिलती है, और आपको इसमें क्या मिलता है, हाई रेजिडेंट ऑडियो सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। और आपको जो सिम टाइप है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। सब कुछ कितने 18,999 रुपये में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप नंबर 2 स्मार्टफोन की तरफ। तो नंबर 2 पे हमने शामिल किया Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ, इसके जो वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। डिस्प्ले में आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर बात करें कैमरा में, तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा में, तो बढ़िया सी फ्रंट कैमरा दी है, 32MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का गेमिंग प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें हम गेम वगैरह बिंदास खेल सकते हो। और अगर बात करें बैटरी के बारे में, तो 5020mAh की बैटरी है विथ 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एडिशनल फीचर की तरफ। तो डिस्प्ले में आपको 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 120Hz टॉच सैम्पलिंग रेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और MIUI 11 है बेस्ड ऑन Android 10, 3D कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलती है बोथ बैक साइड पे, फ्रंट पे और कैमरा लेंस पे भी। और आपको इसमें नाइट मोड देखने को मिलता है, सेल्फी नाइट मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और आपको इसमें स्प्लैश प्रूफ बाई P2i आपको इसमें देखने को मिलता है। और आपको इसमें एज रिकॉग्निशन मोड मिलता है, AI स्टूडियो लाइटिंग मोड देखने को मिलता है, एंटी ऑयल एंड एंटी फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टिव कोटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है, सिंगल बॉटम स्पीकर्स दिए गए इसमें, और आपको सुपर स्टेबिलाइजेशन मोड मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो एडिटिंग मोड मिलता है, और आपको इसमें UFS 2.1 फ्लैश स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, और आपको जो डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको इसमें दिया गया है। सब कुछ कितने 18,999 रुपये में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ। तो नंबर 1 पे हमने शामिल किया है पोको X3 प्रो को। जी हाँ, इसके जो वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। डिस्प्ले में आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें कैमरा में, तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा प्लस 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा बारे में, तो 20MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800
का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आप गेम वगैरह बिंदास खेल सकते हो। और अगर बात करें बैटरी के बारे में तो 5160 एमएच की बैटरी मिल जाती है। 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यूएसबी पीडी फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्ट कर देता है। अब बात करते हैं एडिशनल फीचर्स की तरफ, तो डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 240 हर्ट्ज टॉप सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है, MIUI 12 फॉर पोको बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11, आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की सपोर्ट दी गई है, और आपको इसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। और अगर बात करें सपोर्ट HDR डिस्प्ले व्हेन यू प्ले HDR 10 क्वालिटी वीडियोस, ठीक है, उसमें आपको HDR सपोर्ट करता है। और आपको इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 1.0 प्लस दी गई है। आपको इसमें IP53 स्प्लैश प्रूफ देखने को मिलता है, नाइट मोड देखने को मिल जाता है, आपको इसमें डुअल वीडियो मोड देखने को मिलता है, ब्लॉग मोड देखने को मिलता है, और मैक्रो ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट मोड देखने को मिलता है। आपको इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर लगे गए, हाई रेजिडेंट ऑडियो सर्टिफिकेशन दी गई है, और आपको इसमें सिम टाइप हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलते हैं, यानी कि आप दो सिम कार्ड घुसेड़ सकते हो या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड घुसेड़ पाओगे। तो सब कुछ कितने 18,999 रुपए में। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों के साथ इतना हो सके उतना शेयर कर दे, और आपको ये टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 19 के बजट में कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और आपका जो टॉप पिक है उसमें कमेंट में जरूर लिख देना, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ, धन्यवाद।